đang đang खूब रगड़े साहब, भाग मारे साहब। गाड़ी मिली, माड़ी मिली और साड़ी मिली भारी। गाड़ी मिली, माड़ी मिली, साड़ी मिली भारी। नाश्ते में खाते हो तुम टोस्ट और खारी। चिकन मटन फ्राई कभी बिरयानी छी बारी। अरे रंग राजा ये मेहरबानी मेरे भीमजी की सारी। म्हणून माझा संदेश समाजाला कि भीम कैसा होता ते सांगू नका रे। एक बार जरा तालियां चाहूं एक साइड। इनको आदत पड़ गई जब मैं नाचूंगा तभी इनमें जोश आ जाता है। अरे भीम कैसा होता ते सांगू नकारे। त्या वैराच्या दारी भीक मागू नकारे। वैराच्या दारी भीक मागू नकारे। वैराच्या दारी भीक अभिमान जे केले तुम्ही कधी करता। अरे का गुलामीत मरता। अरे का गुलामीत मरता अंधंदे कुठवर हे करता। क्या बात है। वामन दादाने सांगितलं की भीम भाजी होता, भीम भाकर होता, गनिमत हे नाही सांगलं, भीम मटन होता। याईनं काहीच ठेवलं नसतं। भीम भाजी हो तारे, भाकर ही हो तारे, कुठवर ती खा तारे सांगा तुम्ही। कुठवर ती खा तारे सांगा तुम्ही। कुठवर ती खा तारे सांगा तुम्ही। भीमदानी हो तारे, भीमदाता हो तारे, आम्ही कधी हो तारे सांगा तुम्ही। आम्ही कधी हो तारे सांगा तुम्ही। आम्ही कधी हो तारे सांगा तुम्ही। कुठवर रिकामे खिशे तुमचे भरता। काही रुपयाचा धंदा आहे 14 एप्रिल आली की पावत्या बनवायच्या है। चल्ले भाई दे मेरे बाप के नाम पर 50-100। दो चार साल पहले तो 10-10 रुपए में बेचते थे बाबा साहब को। अरे अरे का गुलामी तो मरता। का गुलामी तो मरता धंधे कुठवर हे कल। रगड़े साहब के लगते जिगर को जोड़ने में वक्त जाया ना करो। बहुत अकल वाले लोग समझेंगे मेरी बात को। लगते जिगर को जोड़ने में वक्त जाया ना करो। पौलाद बन के जो खड़ा है उसे अपनाया करो। हाँ लगते जिगर को जोड़ने में वक्त जाया ना करो। अकल वाले लोग समझे।
औलाद बन के जो खड़ा है उसे अपनाया करो, और शेर की औलाद हो दहाड़ कर हक छीन लो, अरे फेंके हुए हड्डियों को चबाया ना करो। अरे का गुलामी तुम मर्द, अरे का गुलामी तुम मर्द, धंधे कुठवर हे कल समाजात ये की नाही बेकी कशा कशात आहे। गाण्यात मतभेद, साहित्यात वाद, शंभर तुकडे हे पक्षात रे, शंभर तुकडे हे पक्षात रे, शंभर तुकडे हे पक्षात रे, हुशारी ती भाषणात अन आमच्याच शोषणात, समाजाने घ्यावे हे लक्षात रे, समाजाने घ्यावे हे लक्षात रे, समाजाने घ्यावे हे लक्षात रे। आता भेद सांगतो गाण्यात साहित्यात, भारतातले मोठे साहित्यिक बसलेले आहेत आमच्या समोर। गाण्यात भेद, एक म्हणतो की भीम पाहिजे किती शोभला असता भीम नोटावर टायन कोटावर, तर एक म्हणतो कायले पाहिजे भीम नोटावर भीम टाय माझ्या पोटावर। अरे क्या धंदा लगाया भाई, ये कोई दिशा आहे का? काही लोकांनी सांगितलं की दलितांचा राजा तो भीमराव, हर अँगल से उल्लूपणार आहे हमको, दलितांचा राजा भीमराव माझा। अरे 1920 में मानगाव में महाड़ परिषद में शाहू महाराज ने बोला था कि बाबा साहब तो इस देश के राजा है, और तुम आज भी बोल रहे कि दलितांचा राजा। काही लोकांनी सांगले की जरी झाला बॅरिस्टर आणि भीम आवडीनं बाई खाई कांदानं भाकर, कोणता पागल रे इसको लाल साले को जूते से जोड़ता उसको, बाबा साहेब कांदान भाकर खाते थे क्या? अरे बाबा साहब तो चिकन मटन और बोंबिल की चटनी खाते थे मेरे भाईओ। आता कांदान भाकर खाली तर तुम्हाला तिकडे चंद्रपूरच्या तिकडच्या पट्ट्यात जावं लागेल, आदिवासी बनावं लागेल, व्हिटॅमिन रहेगा, कुतू उलुपणारे समाज को। अरे का गुलामी तू मर्द, धंदे कुठवर हे करता। लेकिन ये पुलिस लोगों का प्रोग्राम है इसलिए मैं नाम न लेते हुए, गुलाम लोग कैसे होते हैं एक पंजाब की बात बता रहा हूं। पंजाब के अंदर एक महापुरुष चल जा रहा था रास्ते से, रास्ते में एक नाली के अंदर उसको चार कुत्ते बच्चे, कुत्तों के बच्चे चार गिरे हुए नजर आए, लेकिन चारों में से दो कुत्ते ऐसे थे कि वो चिल्ला रहे थे, ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, धड़फड़ कर रहे थे, और दो कुत्ते अपने आप चुपचाप वो कीचड़ में बैठे हुए। भाई ये रास्ते से जा रहे, इन्होंने देखा भाई चार कुत्ते हैं, दो चिल्ला रहे हैं, वो बोल रहे लोगों को कि हम फंस गए। उस आदमी ने वो दोनों कुत्तों को बाहर निकाल दिया और दोनों को वैसा ही छोड़ दिया। कुछ लोग साथ में थे, लोगों ने बोला भाई कुत्ते तो चार गिरे थे, आपने दो को ही क्यों निकाला? तब उस समय उस आदमी ने कहा कि क्योंकि ये दोनों ही कुत्ते कोशिश कर रहे थे कि हमें बाहर निकलना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों को निकाला है, दोनों को अंदर अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने दोनों को छोड़ दिया है। मैं अपील करूं भाई, अब जिसको भी कीचड़ से बाहर निकालना है वो कोशिश करो, तुम अपने आप कोई तो भी राह पर आ जाएगा तुम्हें बाबा साहब जैसा आज भी, और तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करो बार। अरे का गुलामी तो मरता, धंधे कुटवर हे करता, हल्ल्यावरी
हल्ला केला प्रति हल्ला परिवर्तनाची ही दिशा नवे आम्ही बस मागावे न लाचारीत जगावे क्रांतीची ही परिभाषा नवे कशाला तुम्ही ऐसे अळव्यात शिरता अरे का गुलामीत मरता अरे का गुलामीत मरता धंदे कुतवर हे करता गुलामीत मरता धंदे कुतवर हे करता के मशहूर शायर जनाब सारंग कह रहे फेका ते फुलहार सोला रे सत्कार कामाची द्यावी ही ग्वाही आता हम लोगों को आदत पड़ गई है कुछ भी हो गया कि हम लीडर लोगों को गालियां देते हैं हम के नेते नहीं हो बरोबर नहीं तो आम्ही अस केला असता आम्ही तस केला असता बाबा साहब ने बोला था चार डॉक्टर चार इंजीनियरों की जरूरत है भाई चार चार का ही नाम लिया था या तो भाई कई इंजीनियर कई डॉक्टर कई आईएएस है कई आईपीएस है जाना इतना ही नहीं अभी तक महाराष्ट्र का चीफ सेक्रेटरी हमारा था हम कोई पढ़े लोग बने नहीं ऐसे में का भाग नहीं है नियोजन कमेटी के भालचंद्र मुंगनेकर है अर्थतज्ञ नरेंद्र यादव जैसे लोग हैं यूनिवर्सिटी के चीफ पूरे दुनिया के महाराष्ट्र भारत के सुखदेव थोरात है बाबा साहब ने तो वकील और डॉक्टर ही बोला था तुम तो आईएएस आईपीएस बन गए हो यार लेकिन तुम्हारी मंशा नहीं है समाज के काम करने की बात तुम्हें समाज से कुछ लेन देन नहीं है मैं सरकारी कर्मचारियों पर आरोप लगा रहा हूं आज कि जितने ज्यादा जिम्मेदार हमारे नेता है उतने ही जिम्मेदार लिखे पड़े लोग हैं उतने ही जिम्मेदार क्यों क्या ये ठेका कोई रामदास आठवले ने लेके रखा है कि रामदास आठवले जी ने तुम्हारा काम करना चाहिए ये क्या प्रकाश जी अंबेडकर ने ठेका लेके रखा है तुम्हारा वो तो राजनीतिक नेता है लेकिन वो तो शासन में काम करेंगे तुम तो प्रशासन के नेता हो मैंने ईजेड खोबरागड़े साहब को देखा सर्विस में आईएएस जब अधिकारी थे संचालक थे समाज कल्याण के तो समाज का बहुत सारा काम किया है उन्होंने भाई संविधान के माध्यम से बहुत लोगों को जागृत करने का काम किया है जोरदार तालियां हो जाए अरे का गुलामी तो मरता धंधे कुछ वर हे कर गुलामी तो मरता धंधे कुछ वर हे कर गुलामी तो मरता धंधे कुछ वर हे करता फेका ते फुलहार सोला रे सत्कार कामाची द्यावी ही ग्वाही आता कामाची द्यावी ही ग्वाही आता कामाची द्यावी ही ग्वाही आता जागा हो सैनिक कर बहुजन एक हो सच्चा भीम अनुयायी आता हो सच्चा भीम अनुयायी आता हो सच्चा भीम अनुयायी आता कभी सारंग दिल्ली चा रस्ता हाँ धरता अरे का गुलामी तो मरता अरे का गुलामी तो मरता धंधे कुठवर हे करता धंधे कुठवर हे करता अरे कुठवर